नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए सेट सीरीज में। हम इस वीडियो में साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक आपसे पूछा है कि इसमें जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उनमें कौन वायु को प्रदूषित करने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीडीटी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो है वायु को प्रदूषित नहीं करता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सभी जो है वायु को प्रदूषित कर देता है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ हुआ है। प्रथम जीव जो है की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ है, पृथ्वी पर हुआ है, हवा में हुआ है, या जल में हुआ है, या किसी अन्य ग्रह पर हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जल में जो हुआ है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुआ है। अगला सवाल है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, जीव की उत्पत्ति क्या होती है, जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है, किसने किया है और किसने कहा है कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से होती है, इसका जो सत्यापन ये थ्योरी जो दिया है किसने दिया है। तो लुई पाश्चर ने दिया है, या फिर वान हेलमांट ने दिया है, या रॉबर्ट हुक ने दिया है, या ओपेडिन ने दिया है। आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है इसमें, कि इसमें कौन दिया है जो जीव की उत्पत्ति जो है जीव से होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपरिन ने दिया है, ओपेरिन ने दिया है इसका, इसकी जो थ्योरी है। चलिए, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से क्या होता है, कॉफी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है दोस्तों, फूलों से, या बीजों से, या पत्तियों से, या फूलों से, फलों से। इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सवाल क्या पूछा है आपसे, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। पूछा है बीजों से प्राप्त होता है, या फिर फलों से प्राप्त होता है, फूलों से प्राप्त होता है, या पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजों से प्राप्त होता है। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन जो है किसमें पाया जाता है दोस्तों। निकोटीन आपसे पूछा जा रहा है, निकोटीन जो है निकोटीन किसमें पाया जाता है ना। चाय की पत्ती में पाया जाता है, कि तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, या कॉफी के बीजों में पाया जाता है, नीम की पानी में पाया जाता है। तो इस निकोटीन आपको पता है, निकोटीन जो है तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। कीट भक्षी पौधा कौन है। कीट भक्षी, कीट भक्षी का मतलब होता है कीट को खाने वाला, कीड़े मकोड़े को खाने वाला, है ना। कीड़े मकोड़े को खाने वाला जो है कौन सा पौधा है आपको इसमें बताना है। तो अमरबेल है, या ड्रोसरा है, या फिर गुलाब है, या नागफनी है। तो जो कीट भक्षी जो पौधा है, ड्रोसरा जो है आपका कीट वक्षी पौधा है वो, यानी कीट का जो फंड जो है खा जाता है वो। डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जो है 1662 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था। डीएनए का मॉडल उसने प्रस्तुत किया था, और उनको 1662 में 1600 सॉरी 1962 में सॉरी 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है उनको। किनको मिला है, तो वाटसन एवं ग्रिक को मिला है, या फिर डी ए जी खुराना को मिला है, या रॉबर्ट हुक को मिला है, या फिर ब्रिगस एवं किंग को मिला है। तो आपको बताना है इसमें किसको मिला है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिगस को मिला है, ठीक है। ब्रिगस और किंग को जो है आपको डीएनए के लिए, डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया उनके लिए नोबेल पुरस्कार उनको 1962 में मिला था। चलिए, आठवां नंबर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको सभी एग्जाम में साइंस को पढ़ना है, और साइंस से एकदम बढ़िया नंबर आता है, और ये जीएस का जो सेक्टर है, जो आप सोशल साइंस में आ जाइए, हिस्ट्री वगैरह तो बहुत यथा बहुत दूर है, लेकिन साइंस का जो है ना एकदम सीमित है। अगर उसको 10 बार 5 बार अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको उससे अच्छा नंबर आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। सवाल है, अनुवांशिकता के जन्मदाता है कौन। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन पूछा जा रहा है। लैमार्क है, डार्विन है, या खुराना है, या फिर मेंडल है। अनुवांशिकता कहने का मतलब है इन्होंने पता लगाया कि जीन से जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है लक्षण गुण चले जाते हैं, है ना। आपका ऑप्शन इसमें बताया जा रहा है, लैमार्क, डार्विन, खुराना, या फिर मेंडल। तो मेंडल ने अनुवांशिकता का पता लगाया था। आलू क्या है, 9 नंबर में पूछ रहा है, आलू क्या है, जड़ है, तना है, फल है, या बीज है। तो आलू जो है दोस्तों तना है, आलू क्या है, तना है।
ये सब क्वेश्चन को कम नहीं समझिएगा, क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन सब है। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, चेचक का जो वैक्सीन है उसको सबसे पहले किसने बनाया था? लुई पाश्चर ने बनाया था, या डॉक्टर जेनर ने बनाया था, या लिस्टर ने बनाया था, या साल्क ने बनाया था? चेचक के वैक्सीन को किसने बनाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो बनाया था सर्वप्रथम, जो तैयार किया था, डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था इसको। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? कौन सा बीमारी पर जो है काबू पा लिया गया है? चार ऑप्शन दिया गया है, टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों के जो है डिसऑर्डर पर, या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में आपको बताना है किस पर दिया गया है, किस पर जो है काबू पा लिया गया है, जिसका इलाज नहीं था पहले, अब इलाज ढूंढ लिया गया है। कौन सा बीमारी है? तो टीबी पर, यानी टीबी का इलाज जो है ढूंढ लिया गया है। भारत के लोगों, क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है क्या? भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है क्या? 1 से 12 PPM यानी DTT, या 1 से 30 PPM DDT। तीसरा ऑप्शन है 31 से 50 PPM DDT, या फिर DDT बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 से 30 PPM DDT जो है लोगों की वसा में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 13, प्राकृतिक कीटनाशक जो है एजार्डिर कटिन जो है प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से, या पपीते से? किससे प्राप्त होता है ये? तो ऑप्शन है नीम से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक होती है क्या? एंटीबायोटिक क्या होती है? पौधे होते हैं, दवाई होते हैं, सिर्फ होते हैं, या टॉक्सिन होते हैं? क्या होते हैं एंटीबायोटिक? तो दवाई होते हैं, एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? खमीर बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है, या फिर राइजोसोपस बनाता है, या राइबोजियम बनाता है? किस कौन सा बनाता है, यानी कि दूध को दही कौन बनाता है? तो आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही बनाता है। चलिए 16 नंबर सवाल है, इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? इसका और कोई नाम है, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है मेडकाउ डिडिज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, या रेबीज? आपको बताना है, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जो नाम से जो प्रचलित जो इन्फ्लुएंजा जो नाम है, जिसको H1N1 बोलते हैं, उसको स्वाइन फ्लू के नाम से ज्यादा अधिक लोग जानते हैं, स्वाइन फ्लू। रडार का आविष्कार जो है, रडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था? किसने रडार का आविष्कार किया था? किसने आपको रडार का आविष्कार किया था? रॉबर्ट वाटसन ने, फ्लेमिंग ने, बुसॉल ने, या ऑस्टिन ने? किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। 18 नंबर सवाल है, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विपाकतन द्वारा जो सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है, या फिर वृक्क होता है, या यकृत होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत दोस्तों प्रभावित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B6, विटामिन B2, या फिर विटामिन B1, या फिर विटामिन B12। तो देखिए, कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है इसका। 20 नंबर सवाल है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का जो मापक यंत्र जो है, मापता कौन है रक्त, यानी कि BP को मापने वाला यंत्र क्या नाम है? आपसे यंत्र पूछा जा रहा है इस सवाल में। ऑप्शन दिया हुआ है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, या फिर सिग्मोमीटर, या आमीटर? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, इसको बीपी को मापा जाता है।
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है लोहा, सी तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। जो है विद्युत उत्पन्न के लिए कौन सी धातु है? तो यूरेनियम धातु जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है लोलक, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 23 नंबर सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, या आकाश की ओर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका सी नंबर, उत्तर की ओर जो है चुंबकीय सुई संकेत करती है, उत्तर की ओर। 24 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, सी ऑप्शन आपका है परमाणु को उद्वेलित करके, या फिर अणुओं को दलित करके। 24 नंबर सवाल है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, तंतु को गर्म करके। 25वां नंबर सवाल, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या चंद्रमा से? इसको आपको बताना है, जो महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को जो ठंडा है किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई घर से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संपीड़ित जो है गैस को छोड़ने से। 27 नंबर सवाल, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से क्या बोला है, रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है, या फिर पौधे के रंगों को जो है पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? तो इसका देखिए, प्रिज्म पढ़े होंगे, प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं रंगों को अलग करने के क्या तरीका है? तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, सूर्य ग्रहण तब होता है क्या? कब होता है सूर्य ग्रहण? चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, या सूर्य बीच में हो, या चंद्रमा सॉरी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के कर्क एक रेखा में हो, तब बृहस्पति उस रेखा में न हो? इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, चंद्रमा बीच में आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन, आपसे बड़ा दिन नहीं पूछा जा रहा है, सबसे छोटा दिन तो 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 23 जून को, या फिर 23 अप्रैल को आपका कब होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 दिसंबर को। चलिए 30 नंबर सवाल है, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है, यानी कि कब कैसे घोला जा सकता है सोने को? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, या फिर 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका सी नंबर, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तथा 1 भाग जो होगा नाइट्रिक अम्ल में। 31 नंबर सवाल है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा मारा जाता है वो रासायनिक पदार्थ जो है किससे बनता है? एथाइल एल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनेट से, या पोटेशियम साइनाइड से, या इथाइल जो है आइसोसाइनाइड से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, पोटेशियम साइनाइड से जो है चूहे मारने का जहर बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर जलाया जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन,
दूसरा ऑप्शन है राख या मिट्टी या फिर पानी। तो हाइड्रोजन को जलाइएगा तो पानी बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में हमने कुल 32 क्वेश्चन को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस के सेट में।